दोस्तों हेरा फेरी 3 फिल्म पूरी तरह से बनने के लिए तैयार है। फरहाद सामजी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उनके डायरेक्शन पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए और कहा कि फरहाद सामजी इस फिल्म का डायरेक्शन ना करे। लोगों की मांग थी कि हेरा फेरी 3 का डायरेक्शन प्रियदर्शन को सौंपा जाए, क्योंकि लोग इतनी कमाल की फ्रेंचाइजी का नाम खराब नहीं होने देना चाहते थे। जब से हेरा फेरी 3 के प्रमो की शूट की तैयारियां हुई है, तब से नई नई खबर हमें सुनने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार हमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। वहीं अब हेरा फेरी 3 को लेकर संजय दत्त ने क्या कहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाल ही में संजय दत्त एक इंटरव्यू में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने हेरा फेरी 3 को लेकर बातचीत की और अपने विचार मीडिया के सामने साझा किए। संजय दत्त से जब हेरा फेरी 3 को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, ये एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है, मैं उसके साथ जुड़कर उस फ्रेंचाइजी का पार्ट बनकर बेहद खुश हूँ। फिरोज और मेरा रिश्ता भी बेहद पुराना है। अक्षय कुमार, सुनील अन्ना और परेश रावल जी के साथ काम करना बेहद अच्छा है। हेरा फेरी 3 की घोषणा के बाद पहली बार संजय दत्त ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। हेरा फेरी 3 में संजय दत्त एक विलन का किरदार निभाने वाले है। Oh, it's a great franchise and I'm so happy to be a part of it. Firoz aur mera rishta bhi bahut purana hai and it's great to be together with Akshay, Sunil Anna and Paresh Parmar. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक संजय दत्त रवि किशन के भाई के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। आपको याद होगा फिर हेरा फेरी में रवि किशन ने विलन के किरदार में आइकॉनिक कॉमिक भूमिका निभाई थी, और अब संजय दत्त भी उस अवतार में उनके भाई के किरदार में कॉमिक भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर कौन होने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों आप भी अक्षय कुमार के फैंस हो तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।